हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आज देखो हम पढ़ेंगे हिस्से और पूरे। हिस्से का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर एक एक क्यूआर कोड बना हुआ है, इसके कुछ हिस्से हैं। देखो ये एक इसका एक हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा, और ये छोटे छोटे कई सारे हिस्से इन्होंने इसके किए हुए हैं। और पूरा मतलब ये कंप्लीट, कंप्लीट मतलब जो ये पूरा जो यहाँ पर क्यूआर कोड बना हुआ है इसका क्या शेप है? वर्ग है, ठीक है। अब देखो, तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा, क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? हमारे झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडे को पूरा करो। तो ये आपने करना है, ठीक है। आपने क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल बनाना है, एक आयत बनाना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इस बुक को एक रेक्टेंगल मान लें तो 9 सेंटीमीटर किधर की साइड होना चाहिए ये बताओ। अगर हम इस बुक को ले लें ना पूरा, हम एक ये बुक भी तो एक रेक्टेंगल ही है, तो ये 9 सेंटीमीटर किसकी किधर की साइड से बनाना है तुमने? ये कैसे में एक बच्चा बताओ लंबाई क्या है इसकी? हाँ, वेरी गुड। ये इसकी लंबाई है 9 और ये इसकी चौड़ाई है 6। तो ऐसे ही आपने भी बनाना है। हमारे झंडे का ऊपरी एक तिहाई हिस्सा केसरिया रंग का है, ठीक है। अब देखो ये हमारा झंडा है, ठीक है। ये ऊपरी एक तिहाई हिस्सा कैसा है इसका? केसरिया रंग का। बीच का एक तिहाई भाग का रंग क्या है? बीच का एक तिहाई का क्या है रंग क्या है बताओ? व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लू भी है इसमें, जो इस क्या बना हुआ है इसमें? अशोक चक्र। वेरी गुड। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? अब देखो जो हमने रेक्टेंगल बनाने को आपको बोला है 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर का, उसमें आप चक्र कहाँ पे बनाओगे? अशोक चक्र सेंटर में, कौन से कलर में? व्हाइट कलर में, ओके। झंडे के कितने भाग को तुम्हारे रंग से भरोगे? बोलो बोलो। 1/3। क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है और क्यों? अब ये बताओ कि मुझे जो सफेद रंग में जो ये, जैसे ये सफेद रंग में है ना हमारा जो ये झंडा है, बीच में जो सफेद रंग है, क्या ये 1/3 से कम है या ज्यादा? कम। क्यों? हाँ, क्योंकि कुछ कलर इसमें अशोक चक्र ने क्या कर लिया है? घेर लिया है। इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है बताओ? इस झंडे को बताओ कितना है? 1/3। झंडे का हरा भाग कितना है? 1/3। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? यस। क्यों? इसमें भी क्या आ गया? एक चक्र। क्या बोलते हैं उसको? अभी बताया था मैंने, लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या बना रखा है? इसमें एक लोगो बना रखा है। क्या यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है? ये देखो, ये म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम? कम। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है? एक लोगो। अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है, बताओ इसमें कितना भाग लाल है? 3/4। वेरी गुड। ये है ना, इसके हम चार टुकड़े कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। तो कितना हो गया? 3/4 हो गया। क्या यह 1/2 से ज्यादा है? 1/2 का मतलब कितना होता है? आधा। तो आधे से ज्यादा है लाल कम? ज्यादा है, आधे से ज्यादा। ये आधे से तो ज्यादा है ही नहीं ये लाल। क्या यह 3/4 से ज्यादा है लाल वाला? 3/4 से ज्यादा है या कम? बराबर। क्या है ये 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो अब आप ये वाला रेक्टेंगल बनाओगे और उसमें कलर्स भी फिल करोगे, ठीक है। समझ आई?